राजस्थान में इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी बेहद कमजोर नजर आई और अब बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा उपचुनाव अग्नि परीक्षा जैसे हैं। जिन पांच सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं वहां पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है और उस पर बीजेपी मंत्री मदन दिलावर और भारतीय आदिवासी पार्टी के राजकुमार रौत के बीच जारी जुबानी जंग डीएनए की जांच तक पहुंच चुकी है, जो बीजेपी के लिए विधानसभा उपचुनाव में मुश्किल का बाइस बन सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़, मैं हूं शेख जी। अगर बात झुंझुनू विधानसभा सीट की करें तो ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है और कांग्रेस आखिरी बार 2003 में यहां हारी थी और सुमित्रा सिंह ने बीजेपी के टिकट से जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सीट पर फिर से कब्जा कर लिया। ये सीट निकालना भी बीजेपी के लिए मुश्किल होगा। वही देवली, उनियारा और दौसा सीट की बात करें तो मीणा और गुर्जर यहाँ काफी ज्यादा है और कांग्रेस अपनी जीत को पक्का मान रही है। वजह है, इन दोनों ही सीटों पर सचिन पायलट का खास प्रभाव है। दौसा लोकसभा सीट भी कांग्रेस के नाम ही रही है। अब रही बात खींवसर विधानसभा सीट की, जहां हनुमान बेनीवाल अपनी पार्टी की जीत को पक्का बता चुके हैं। कुल मिलाकर पांच विधानसभा सीटों के उपचुनाव में एक भी सीट बीजेपी निकाल ले तो बड़ी बात होगी। इस बीच राजकुमार रौत का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया हुआ पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है। पोस्ट में लिखा है कि राजधानी जयपुर में पत्रिका गेट पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समुदाय को लेकर दिए गए बयान के खिलाफ एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी और अन्य समुदाय के समस्त साथियों ने मिलकर आक्रोश व्यक्त किया। आप सभी साथियों की मदद से अवश्य है मंत्री को लोकतंत्र और हमारी ताकत का एहसास करवाएंगे। जहां एक तरफ विधानसभा उपचुनाव पास है तो वहीं बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक भी नहीं है। वसुंधरा राजे का आज तो लोग उसी उंगली को पहले काटने का प्रयास करते हैं वाले बयान ने ये साफ कर दिया है कि पार्टी में अब उनकी सुनी नहीं जा रही और राज्य का ये बयान सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। ऐसे में विधानसभा उपचुनाव में कोई मास्टर प्लान ही अब बीजेपी को कोई सीट दिला सकता है। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।